फ्रेंड्स, कच्ची केरी से बनने वाला हमारा ये मुरब्बा देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ इसका खट्टा मीठा टेस्ट मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये है एसके गोल्ड रेसिपीज और मैं हूँ आपकी शेफ सुनीता खंडेलवाल। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस मुरब्बे को बनाने का आसान तरीका। इसके लिए ले लेंगे हम दो बड़े साइज की कच्ची केरियाँ, इसे कच्चा आम भी बोलते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, पहले केरी का छिलका उतार लेंगे और मोटे छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। लगभग 300 ग्राम कसी हुई केरी के साथ हमें लेना है 300 ग्राम चीनी, 20 से 25 केसर की पत्तियां और ले लेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इसके बाद ग्रेट की हुई कच्ची केरी के ऊपर डाल देंगे शक्कर, इलायची पाउडर और केसर की पत्तियां। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए इसे ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं और कद्दूकस की हुई हमारी कच्ची केरी के गीलेपन से शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और इसकी पानी की तरह पतली सी चाशनी बन चुकी है। अब इस पूरे मिश्रण को एक कढ़ाई में डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसे हमें पकाते समय हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि केरी और शक्कर मिलाने से जो पानी बना है मुरब्बा बनाने के लिए वो ही काफी होता है। लगभग 5 से 7 मिनट में इस मुरब्बे की चाशनी गाढ़ी पड़ने लगेगी। इसकी चाशनी हमें एक तार की रखनी होती है। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए ये मुरब्बा तैयार है। गैस ऑफ करके कढ़ाई को उतार लेंगे और इसे ठंडा होने तक खुला छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मुरब्बे में केसर का कलर कितना परफेक्टली आ चुका है। अब इसे पूरा ठंडा होने पर एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखेंगे। फ्रेंड्स, इस मेथड से अगर आप बनाएंगे मुरब्बा तो ये अगले सीजन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आप भी बनाइए स्वादिष्ट खट्टे मीठे स्वाद वाला मुरब्बा और शेयर कीजिए आपके व्यूज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।